भरतपुर पट्टी की मांग को लेकर लोगों ने लगाई पट्टा परिक्रमा। सैकड़ों लोगों ने बाजार में जुलूस निकालते हुए दी परिक्रमा। कच्ची खाई के चारों ओर डंडा के निवासी प्रदर्शनकारी राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। लंबे समय से पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत कल मुख्यमंत्री आगमन पर भी दंडवत परिक्रमा की दी चेतावनी। चली आ रही है कि कच्चे डंडे के जो लोग निवास कच्चे डंडे की भूमि पर कर रहे हैं, आबादी की भूमि है, सघन आबादी है, लेकिन राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने एक अड़ंगा लगा रखा है कि कच्चे परकोटे वालों को 69A के तहत पट्टे नहीं दिए जाए। जहां 25 जुलाई 2022 को आदेश हुए, 6 महीने तक नगर निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस कार्रवाई नहीं की गई और न ही कच्चे परकोटे वालों को प्रशासन शहरों से अभियान के तहत ये पट्टे देने की कार्य की गई। हम राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार भरतपुर में आ रहे हैं, हम उनको दंडवत परिक्रमा करके ये दिखाना चाहते हैं कि भरतपुर में विकास नहीं विनाश हुआ है। आप अपने जनप्रतिनिधि को समझाएं कि गरीब मजदूर जनता के साथ इंसाफ करे, न्याय करे और जो पट्टे उन्होंने प्रशासन से दबाव देकर रुकवा रखे उन पट्टे देने की कार्रवाई को प्रारंभ करे। अगर दंडवत परिक्रमा कल भी हमारी जारी रहेगी, अगर नहीं सुना तो हम आगे का आंदोलन जो हमारा होगा वो उग्र होगा और महिला पुरुष वृद्ध सब दंडवत परिक्रमा में शामिल है। मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रतिनिधि को समझाएं कि जो जनता के साथ आप अच्छा करना चाह रहे हैं उसको आपका प्रतिनिधि नहीं करने दे रहा है। गरीब मजदूर तबके के 2000 परिवारों को पट्टे नहीं मिलने दिए जा रहा है और नाइंसाफी की जा रही है, अन्याय किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने दंडवत परिक्रमा देने का ये निर्णय लिया है। आगे मुख्यमंत्री के सामने हम सभी लोग दंडवत करते हुए MHA कॉलेज तक जाएंगे।